नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड इम्पोर्टेंट उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर अपन में क्वेश्चन। ओके, आज डेट हो गई आपकी 27th of July यानी कि 27 जुलाई, राइट, 2020। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग, IBPS, SBI, IBPS, RRB, राइट, किसी भी एग्जाम्स की हो, SSC हो, रेलवे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह सेशंस आपको बहुत हेल्प करेगा। राइट, GK अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे लेवल पे, स्टैटिक GK, करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस, डेज बेस पर क्वेश्चंस, बुक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो आप सभी से आग्रह रहेगा सेशंस को कंप्लीट देखिएगा। कोई आपका डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आती, तुरंत टाइप कीजिएगा ताकि मैं आपको बता दूंगा। ओके, न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सर हमको न्यूज़पेपर चाहिए, मैं आपको न्यूज़पेपर्स दे दूंगा, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदुस्तान टाइम हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, वहां से आपको मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। एंड बिफोर दैट, हमेशा की तरह अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने ग्रुप में जहां कहीं भी आपके रीच है, और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। फर्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, होमवर्क क्वेश्चंस, जो कि मैंने एग्जाम आपको दिया था होमवर्क क्वेश्चंस के बेसिस पे सैटरडे को। राइट, एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। नहीं दिया है तो प्लीज, रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर बेसिस पे एक होमवर्क क्वेश्चंस पूछता हूँ आपकी GK के लिए, क्योंकि मेरे चैनल्स पे ओनली फॉर स्टडी बेस पे कंटेंट मिलेगा आपको, अदरवाइज कोई भी आपको बातचीत नहीं होगी। राइट, आप खुद देख सकते हैं। वन इज द इनकम टैक्स और इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व, यानी कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यूज में भी रहता है, तो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डेज बेस पर क्वेश्चन बना सकता है। तो आयकर दिवस आपका मनाया जाता है, दैट इज द 24th of July। राइट, आप खुद देख सकते हैं। राइट, 24th of July को, यानी कि 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में बनाया जाता है, इनकम टैक्स डे। ओके, आपको मालूम होना चाहिए यह CBDT, राइट, सेंट्रल स्पोर्ट डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, टैक्स टू टाइप्स। फर्स्ट आपका डायरेक्ट टैक्स, सेकंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, आपको मालूम होना चाहिए, जो चीज मालूम नहीं है और प्लीज ध्यान में रखें, क्योंकि आप बैंकिंग की प्रोविजन कर रहे हैं तो यह चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जिनके माध्यम से सीधा अपने सरकार का और जो पर्सन टैक्स फिल कर रहा है। राइट, इट मीन्स आप समझ लिए मेरा। राइट, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स के रूप में पैसा दे रहा हूँ, तो राइट, इट्स कॉल्ड बी इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स उसको कह सकते हैं। राइट, एंड देन डायरेक्ट टैक्स किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से आपने कोई सर्विस अटेंड की, आप होटल्स गए, राइट, कोई सामान आपने परचेज किया, वहाँ पर आपने टैक्स दिया, इट्स कॉल्ड बी इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंतर्गत आपके आते हैं GST। राइट, GST आपकी इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर आती है, और डायरेक्ट टैक्स का जीता जागता एग्जाम्पल्स है, दैट इज द इनकम टैक्स, आयकर जिसको कहते हैं। तो आयकर दिवस कब बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है 24th of July, याद रखिएगा। सब कुछ आपके CBDT यानी कि सेंट्रल स्पोर्ट डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत होता है, CBDT, जिसके चेयरपर्सन हैं प्रमोद चंद्र मौर्य। राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहीं से भी आपको बना सकता है। ओके, 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई को आपके बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट डे। राइट, जो कि संयुक्त राज्य वह जस्ट डे के बेसिस पे बनाता है 20 जुलाई, 20 जुलाई को। 15th of July को यूथ स्किल्स डे। राइट,
यूथ स्किल्स डे आपकी बनाया जाता है 23rd of July को। माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो। 24th of July को आपका इनकम टैक्स डे, ओके याद रखिएगा। ओके कुछ डेज रिविजन्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जुलाई आपको DD यानी कि डॉक्टर्स डे, GST डे 1 जुलाई को, ओके चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 3rd of July को आपके बनाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द 3rd of July यानी कि 3 जुलाई को माय डियर स्टूडेंट्स अपने बनाया जाता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, राइट ये आपका 3rd of July को। आपकी नेक्स्ट आता है आपके सामने दैट इज द 6th of July, 6th of July को वर्ल्ड जूनोज डे, राइट वर्ल्ड जूनोज डे। 7th of July को वर्ल्ड चॉकलेट डे, ओके नेक्स्ट आपका 11th of July को वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे, विश्व जनसंख्या दिवस, ओके एंड देन आपके नेक्स्ट आता है 15th of July को आपकी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, राइट विश्व युवा कौशल दिवस याद रखिएगा। 15 जुलाई को यह बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 20 जुलाई को जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड चेस डे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ओके 24th of July को आपका इनकम टैक्स डे, क्लियर हुआ। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, सब कुछ मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिया है, ओके तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल से वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल फिट टू रन डबल स्टैक, यहाँ की डबल स्टैक्स में ये पहली है राइट वर्ल्ड की पूरे विश्व की, तो यह क्वेश्चन तो गारंटी से क्वेश्चन छप गया है। पूरे विश्व की यह पहली रेल टनल यानी कि रेल सुरंग है जो इलेक्ट्रिफाइड और डबल स्टैक कंटेनर्स टू बी ऑपरेशनल इन 12 मंथ्स यानी कि 12 मंथ्स बनने में इसको लगेंगे टोटल्स, राइट याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहां से बन सकता है। टनल्स ब्रेकिंग सेरेमनी मार्क्स द कम्प्लीटेशन ऑफ द टनल्स केविंग्स वर्क WDFC 1 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल्स, 1 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल्स द अरावलीज नियर सोना इन हरियाणा, राइट अरावलीज इन नियर सोना हरियाणा। दिस विल द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल्स टू रन डबल स्टैक कंटेनर, राइट याद रखिएगा इस चीज को, पर्टिकुलर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, राइट रेलवे मिनिस्टर से आपके माय डियर फ्रेंड्स पीयूष गोयल, राइट पीयूष गोयल आपके रेलवे मिनिस्टर हैं, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ओके। रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है यह कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, राइट प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपके सामने बेंजामिन मकपा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया डाइज 81, राइट ये बेंजामिन मकपा है, राइट इनका निधन हो गया है 81 ईयर्स की एज में, राइट यह किसकी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रेसिडेंट थे, तो बेंजामिन मकपा एक तंजानिया के प्रेसिडेंट थे, तंजानिया के राष्ट्रपति थे बेंजामिन मकपा, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बना सकता है। डू नो वहाँ की कैपिटल होगी तंजानिया की, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। माय डियर स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल्स पे करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक जीके आपका मिल जाएगा, राइट एंड डेज बेस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, एंड आपकी बुक बीक्स पर जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहती है वह भी मैं डिस्कशंस करता हूँ, तो सभी कुछ मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, राइट अगर आप इम्पोर्टेंट नोट्स बना रहे हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स में पढ़ना चाहते हैं, तो 100% नोट क्रिएट कीजिए, जो चीज़ जहाँ पर बताई जाती है उस चीज़ को लिखिए, गारंटी है GK में एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होगा, ओके। When is the करगिल विजय दिवस यानी कि करगिल विजय दिवस आपका कब बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। करगिल विजय दिवस आपके 26th of July यानी कि 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है, 26 जुलाई 26th of July को याद रखिएगा, तो इसका आंसर होगा आपका बी, ओके 24th of July इनकम टैक्स डे,
20 जुलाई मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वर्ल्ड चेस्ट डे, राइट, जो संयुक्त राज्य बनाता है। 11th of July वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, राइट, कुछ चीज रिवाइज करने से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ओके, तो याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग्स माय डियर स्प्रिंग्स, अगर आप डेज बेस पर 1 जुलाई टू 15th of July तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं डेज बेस पर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज बुक्स, राइट, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपकी जुलाई मंथ के 1 से 15 तक, वह भी आप इस पर्टिकुलर वीडियो से माध्यम से पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक दैट एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, दोनों मेंस के एग्जाम्स, आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स, 100% यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है माय डियर स्पेंस, दैट इज द पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन्स फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्शंस इन विच स्टेट, यानी कि पीएम मोदी है, राइट, इन्होंने भारत के किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है, राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस भारत के किस राज्य में उन्होंने जो जलापूर्ति योजना है, यानी कि हर घर जल जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल पहुंचाना उन्होंने आधारशिला रखी है, तो वह स्टेट है दैट इज द मणिपुर, राइट। मणिपुर स्टेट से जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, एवरीडे सेशंस को वॉच करते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक जो न्यूज डिस्कशंस करता हूँ उनके नेक्स्ट डे एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाता हूँ, राइट। तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है, मणिपुर से इन्होंने आधारशिला रखी है। लगभग 45 करोड़, आप मान लीजिए 45 करोड़ इस पर्टिकुलर योजना में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यह कौन देगा? एनडीबी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से यह लोन लिया जाएगा, इसके बेसिस पे जल जीवन मिशन हर घर जल पहुंचाना रहेगा। ओके, एनडीबी का हेडक्वार्टर अब की चाइना में है, राइट, बीजिंग चाइना में। मणिपुर की कैपिटल्स इम्फॉल है। ओके, मणिपुर की कैपिटल्स इम्फॉल है, एंड ब्रांचिंग यहाँ की चीफ मिनिस्टर से नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है मणिपुर की, राइट। इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। जल जीवन मिशन, राइट, जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह योजना का शुभारंभ होगा। जल जीवन मिशन से यह जल शक्ति मंत्रालय, राइट, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जल शक्ति मिनिस्टर से आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत, राइट, गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान। ओके, जोधपुर राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। रिसेंटली पे बहुत न्यूज में रहे हैं, तो एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बना सकता है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाते हैं। सिंगापुर स्थित एक सिंगापुर में डीबीएस बैंक है, राइट, डीबीएस बैंक है के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021, राइट, फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द एस्टिमेशन सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक, राइट, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, राइट, इसका फुल नेम है। तो इसकी जीडीपी क्या होगी, भारत की जीडीपी उन्होंने कितनी फोरकास्ट की है, एक कॉन्ट्रेक्शन किया है माइनस में, तो माइनस में उन्होंने फोरकास्ट किया 6%, राइट, 6% इन्होंने फोरकास्ट किया है। ओके, डीबीएस यानी कि डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, याद रखिएगा। इसके चेयरपर्सन है पीयूष गुप्ता राइट, इस चीज को भी याद रखिएगा। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ओके, 6.1% आपकी जापानीज कंपनी है नोमोरा, उसने फाइनलाइज किया है माइनस का 6.1%, जापान की कंपनी है नोमोरा। ओके, तो याद रखिएगा, ये देख लीजिए, कटिंग्स में मैंने साथ ऐड कर दी है ताकि आपको पीडीएफ मिले तो तुरंत आपको क्लियर हो। इंडिया जीडीपी टू श्रिंक 6% इन फाइनेंशियल ईयर 21, डीबीएस यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर।
नवीन तलिहानी को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नवीन तलिहानी को एमडी एंड सीईओ के रूप में बनाया गया है, तो वह किस इंश्योरेंस कंपनी के बनाए गए हैं? तो दैट इज टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस पे नवीन तलिहानी को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है और एडाई के माध्यम से यह नियुक्त किए गए हैं। इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट फंड, ओके, एडाई याद रखिएगा, ओके। नवीन तलिहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चंस आपको। बैंकिंग एस्पिरेंट अगर आप हैं तो बैंकिंग के लिए तो ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, ओके। ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल्स एक्सपर्ट्स की न्यूज थी जो मैं कटिंग्स डिस्कशंस कर चुका हूँ, ओके। विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ रुपीज, लगभग पूरा का पूरा 13 लाख करोड़ रुपये, यानी कि 13 लाख करोड़ रुपीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से उस पर्टिकुलर कंपनी का। किसका है? तो नंदन, ये आपका है रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 13 लाख करोड़ रुपीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन से, राइट। इसके चेयरपर्सन से मुकेश अंबानी, जो कि 5th richest persons बन गए हैं, आपके सबसे अमीर व्यक्ति, 5th, 1/3 से 5th, 5वें स्थान पर है, राइट, याद रखिएगा, ओके, 5वें स्थान पर है। इनकी एक तरह से कह सकते हैं रिचेस्ट पर्सन्स में, इनकी कंपनी आपकी आपकी 48वें नंबर पर है दुनिया में, पूरी दुनिया में 13 लाख करोड़ रुपए इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में कहीं से भी आपको क्वेश्चंस बना के दे सकता है, ओके। 6th नंबर क्वेश्चन से आंसर दीजिए, तक तो पानी पी लो। देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ईस्ट ईस्ट साइड में ऑफ द मिनिस्टर्स एक्सटर्नल्स अफेयर, विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शंस भी बहुत अच्छे मैंने यहाँ पर दिए हैं, बहुत अच्छा आपका रिविजन होगा, ये मेरी गारंटी है, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इंजिती श्रीनिवास, यह अभी मने हैं, इसका देखिए पार्टिकुलर, पहले मैं आपको बता देता हूँ, रीवा गांगुली दास इसकी चेयर, एक ईस्ट के सेक्रेटरी बनाए गए हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के, विदेश मंत्रालय के द्वारा, राइट, रीवा गांगुली दास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नाम याद नहीं रहता, ओके, रीवा गांगुली। इंजिती श्रीनिवास, यह आईसीसी, राइट, आईसीसी जिसका हेडक्वार्टर यूएई दुबई में है, आईसीसी का हेडक्वार्टर, उसके चेयरपर्सन बने हैं इंजिती श्रीनिवासन, राइट। पहले थे शशांक मनोहर, उनको उनका इस्तीफा होने के बाद उनकी जगह इंजिती श्रीनिवासन को बनाया गया है, याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुपी नायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुर्कमेनिस्तान, राइट, तुर्कमेनिस्तान की आपकी एम्बेसडर्स बने हैं, राजदूत बने हैं भारत की तरफ से, विदुपी नायर, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान की राजदूत बने हैं, ओके। तो इसका आंसर होगा बी, रिया गांगुली दास, क्लियर हुआ, रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजयती श्रीनिवास आईसीसी की चेयरपर्सन बने हैं, इंतरिम आईसीसी का हेडक्वार्टर है यूएई एंड आपकी एंड आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई में और यूएई दुबई में, ओके। एंड पहले थे आपके शशांक मनोहर, उनकी जगह एनजेती श्रीनिवासन को, विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसडर्स के रूप में नियुक्त, राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, ओके। आईसीसी रिलेटेड एक और चीज बता देता हूँ, आईसीसी ने अभी ऑलराउंडर्स की जो रैंकिंग है उसमें बेन स्टोक्स, टेस्ट रैंकिंग में बेन स्टोक्स सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बने हैं, उसके बाद है जेसन सोल्डर जो कि एक वेस्ट इंडीज प्लेयर है, ओके। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। विच आई टी मेजर्स विल एक्वायर सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर 4C 468 मिलियन यूरोज, कौन सा आईआईटी संस्थान है
68 मिलियन यूरो में सेल्स फोर्स कार्यान्वयन भागीदार फोर्सी का अधिग्रहण करेगा। कौन सा ऐसा आईआईटी है? तो वह है विप्रो। ओके, विप्रो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द थर्ड यूनिट ऑफ काकरपारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 750 मेगावाट यूनिट टू अचीव क्रिटिकली। वेयर डज द काकरपारा एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड, यानी कि काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखिए कहाँ से कहाँ घूम गया, राइट। परियोजना की तीसरी इकाई महत्वपूर्ण प्राप्त करने के लिए भारत की पहली 700 मेगावाट इकाई बन गई है। तो यह प्लांट कहाँ स्थित है? वह है आपके गुजरात में, राइट, गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय भाई रूपाणी, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, आचार्य देवव्रत। ओके, इस चीज को भी याद रखिएगा। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल चौकी गुजरात की। ओके, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए, गुजरात से रिलेटेड। ओके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से हमारी रेस्पॉन्स दैट इज द उद्धव ठाकरे। ओके, भगत कोश्यारी यहाँ की गवर्नर है, बॉम्बे यहाँ की कैपिटल है। शिव भोजनालय ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले यह पर्टिकुलर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम्स है। पहला ऐसा स्टेट है जो पीएम केयर्स में सबसे ज्यादा फंड देने वाला स्टेट बन गया है। महाजॉब्स पोर्टल से वह आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू किया गया है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, तो 8th का आपका आंसर होगा दैट इज द ए, अमला शंकर, राइट। अमला शंकर हू पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101 वाज अ वेल नोन, जिनका निधन हुआ वह एक क्या थी? वह एक बहुत ही अच्छी डांसर थी, बहुत ही फेमस डांसर थी अमला शंकर। ये एक तरह से देख लीजिए कटिंग्स है न्यूज़पेपर्स की, राइट, पास अवे एट 1018। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि 100 प्लस आयु इनकी हो गई थी, राइट। उनका अब निधन हुआ है तो एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स दैट इज शेड्यूल्ड आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स 2020, यानी कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक होने के बाद चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? दैट इज द बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को तो आप सुपर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम्स में गारंटी से गारंटी पूछता है। ओके, तो चौथा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एडिशंस है? चौथा एडिशंस है, राइट। पहला एडिशंस भी हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, राइट, एंड आपका अगेन आपका फोर्थ एडिशंस है, राइट। चौथा आपका यूथ गेम्स एडिशंस है वह आपकी हरियाणा स्टेट्स में होगा, राइट। हरियाणा में इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, फर्स्ट एडिशंस आपका कहाँ हुआ था? आपकी ऑप्शंस भी अगर आपको मालूम है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सेकंड एडिशंस कहाँ हुआ था एंड इससे नेक्स्ट आपका थर्ड एडिशंस कहाँ हुआ था, राइट, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए कौन से भारत के राज्य में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों एडिशन से, यानी कि तीनों संस्करण है वह कहाँ कहाँ आयोजित किए गए थे, पहले ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना क्योंकि सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। पहला एडिशन दिल्ली, असम, गोवा, ये आपके ऑप्शंस, यानी कि आपको लिखना है कि पहला एडिशन गोवा में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ये चीज़। ओके, सेकेंड एडिशन आपको लिखना है कहाँ पर हुआ था, थर्ड एडिशन उसी के बेसिस पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हैं, यह आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन हैं आपके लिए। हु ऑथर द बुक टाइटल्स द एंड गेम, द एंड गेम्स नामक की पुस्तक के लेखक कौन हैं? एस हुसैन जैदी, आर सी भार्गव, अमेश त्रिपाठी, अपूर्वा पुरट। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द एंड गेम, प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स, राइट, बताएं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर्स जरूर दें, राइट, कि यह आंसर्स होगा। ऑप्शंस भी आपको मालूम है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं
रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं उनको मालूम होना चाहिए ऑप्शंस के स्पेसिस पे आपके रिविजन के लिए क्रिएट करता हूँ। प्लीज इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रीच है। ओके, कोई आपका सजेशंस हो कि सर मेरे ये सजेशंस हैं, मेरे ये आइडियाज़ हैं, इस चीज़ को इंक्लूड कीजिए, और भी अच्छा हो सकता है, और भी हमारी हेल्प हो सकती है, वह भी आप टाइप कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल्स को आपने, तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दें, राइट, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज कोई भी अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर आपको उन क्वेश्चन के चाहिए जो मैंने फर्स्ट जुलाई से टू 15th of July तक मैंने वीडियो अपलोड किया था, एक उसमें क्वेश्चन बताए थे 110 क्वेश्चन, राइट, प्लस 10 क्वेश्चन, तो वहाँ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बट उसके बाद आप बता दीजिएगा सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर टाइप कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा रिविजन्स के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो एंड अप करते हैं आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग, आई होप यू आर एंजॉय द सेशन, इफ आई एंजॉय द सेशन तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ जो आपकी हेल्प कर सके और की भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।